वेलकम बैक क्लास 12। सो आर टुडेज टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टॉक एंड फ्लो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स मीनिंग, डिफरेंस एंड डिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। स्टॉक एंड फ्लो मीनिंग। स्टॉक, इट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। एग्जाम्पल, डिपॉजिट इन बैंक 1st June 1000, 31st December 3000, 1st Feb 1000। So basically stock का मतलब क्या होता है ये आप समझेंगे। Stock का मतलब है quantity at a particular time। For example 1st June को हमने bank में deposit करे 1000, तो ये 1000 मेरा stock है particular एक time। 1st June पे मैंने deposit करे 1000, तो 1000 अब मेरा stock हो गया। 31st दिसंबर को मैंने 3000 डिपॉजिट करे, तो ये 3000 मेरा स्टॉक हो गया। 1st फेब को मैंने 1000 डिपॉजिट करे, तो 1000 ये मेरा स्टॉक हो गया। दिस इज नोन एज स्टॉक, एज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो भी एक कोई पर्टिकुलर टाइम होगा उसमें हम क्वांटिटी को जो मेजर करेंगे उसी को हम स्टॉक मानेंगे। फ्लो, इट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए यहां पर पर्टिकुलर टाइम है स्टॉक में, लेकिन फ्लो में क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, इसको कैसे समझेंगे। डिपॉजिट इन बैंक 1st जून 1000, 31st दिसंबर 3000, 1st फेब 1000, पीरियड ऑफ टाइम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा 1 ईयर है पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो जो ये टोटल आएगा इसका 1000, 3000 एंड 1000, एट द एंड पर्टिकुलर पीरियड के एंड में जो क्वांटिटी मेरे पास है वो कहलाएगा फ्लो। यानी कि 5000 एट द एंड है मेरे पास, दिस विल कॉल्ड फ्लो। विच मीन्स अगर हम बात करें इसको इस तरीके से, हमने जो समझा है वो ये समझा है कि पर्टिकुलर टाइम पे जो क्वांटिटी हमारे पास है वो है स्टॉक, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कोई भी पीरियड ऑफ टाइम जो आपके पास गिवन है, चाहे वो 1 मंथ है, 1 आवर है, 1 ईयर है, 1 वीक है, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम जो आपके पास गिवन है उस समय जो क्वांटिटी हम मेजर करेंगे उसे हम कहेंगे फ्लो। क्लियर, एक एग्जांपल है कि हमारे पास स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो वेल्थ एक स्टॉक है, लेबर भी स्टॉक है, कैपिटल भी स्टॉक है, क्वांटिटी ऑफ मनी ये भी एक स्टॉक है, बैंक डिपॉजिट ये भी एक स्टॉक है, इनकम फ्लो है, एक्सपेंडिचर ये भी फ्लो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी फ्लो है, और सेल ये भी फ्लो है। ये आप एग्जांपल्स मान सकते हैं इसके स्टॉक एंड फ्लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस इज स्टॉक पर्टिकुलर टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। यानी कि ये तो हमने डेफिनेशन से ही निकाल लिया कि जो क्वांटिटी मेजर्ड होगी स्टॉक में वो पर्टिकुलर टाइम होगी, और जो क्वांटिटी मेजर्ड होगी फ्लो में वो पीरियड ऑफ टाइम। ये तो डेफिनेशन से ही आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया। सेकेंड डिफरेंस इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक नॉट टाइम डायमेंशनल, यहां पर कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है, स्टॉक आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नॉट टाइम डायमेंशनल, बट फ्लो टाइम डायमेंशनल होता है। या तो वो पर आर हो सकता है आपका टाइम पीरियड, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, या ईयर। सो बेसिकली फ्लो है टाइम डायमेंशनल एंड स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। थर्ड इज ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जितना ज्यादा हमारे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल है, यानी कैपिटल का स्टॉक हमारे पास जितना ज्यादा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर स्टॉक ऑफ वेल्थ। यानी जितनी ज्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितना फ्लो ऑफ इनकम रहेगा उतनी ही लोगों के पास वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। यानी अगर किसी कंट्री में जो इनकम है वो लोगों को हम कम दे रहे हैं तो उनकी वेल्थ भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री में हम इनकम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनकी इनकम, उनकी वेल्थ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दिस इज द डिफरेंस। Now let's talk about the dependence. Dependence means कैसे stock flow के सहारे है और कैसे flow stock के सहारे है, यानी एक दूसरे के ऊपर कैसे ये depend करते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक example देख लेते हैं।
मान लीजिए फ्लो, यहाँ पे डिपॉजिट 2000 पर मंथ, किसी जगह किसी बैंक में आप 2000 रुपए पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, वो आपका फ्लो कहलाएगा। 20,000 बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ये आपका स्टॉक कहलाएगा। विड्रॉल 1000 पर मंथ, आप 1000 रुपए हर महीने बैंक से निकाल रहे हैं, ये भी फ्लो कहलाएगा। अब इसी एग्जांपल को हम डिपेंडेंस में लाते हैं। स्टॉक ऑफ सेविंग डिपेंड ऑन फ्लो ऑफ डिपॉजिट, यानी जो ये स्टॉक ऑफ सेविंग है यानी 20,000 जो है यहाँ पर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर हम डिपॉजिट ही नहीं करेंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हर बैंक में, जैसे पर मंथ यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड है, हर मंथ हम 2000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर मैं ये फ्लो ही नहीं करूंगा तो ये स्टॉक कैसे क्रिएट होगी? यानी स्टॉक को क्रिएट करने के लिए फ्लो की जरूरत है। तो पहला डिपेंडेंस मिल गया। सेकेंड इज फ्लो ऑफ विड्रॉल डिपेंड ऑन स्टॉक ऑफ सेविंग, यानी कि अगर मैं हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं पैसे, वो मैं हर महीने विड्रॉ कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस है। अगर मेरा बैंक बैलेंस ही नहीं होगा तो बैंक से मैं पैसे कैसे निकालूंगा? इसका मतलब कि फ्लो भी किसके ऊपर डिपेंड है? स्टॉक के ऊपर। सो दिस इज द डिपेंडेंस, स्टॉक एंड फ्लो। बिना स्टॉक के फ्लो का कोई काम नहीं और बिना फ्लो के स्टॉक का कोई काम नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज इसके नोट्स आप बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, प्लीज मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच।